ये पंचायत पंचायत से कुछ नहीं होगा, गला रेत दो इसका। फैसला सुनाना पंचों का अधिकार है। ये अधिकार आपको कौन दे दिया मिसीर जी? आप तो सब जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, ये सब टोना टोटका का तब जाना थे हम। जैसा कि नियम है, हम इन दोनों को सुने बिना सजा नहीं ना दे सकते। इसलिए अगर इन दोनों को अपने सफाई में कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हम कहे के चाहते, हम यही कहे के चाहते कि हम तीन लोग से प्यार करते। पहले ये बता कि खाली तू ही का प्यार करे है कि ये भी चाहत है तू का। हम त्रिलोक के मुंह से सुनना चाहते हैं कि सच का है। कहीं मिसीर बाबा के डर से त्रिलोक ने यहाँ मना कर दिया तो दीदियों का कहाँ होगा? अरे बोलना त्रिलोक। रज्जू जो कह रही है वो एकदम सच कह रही है। हम और रज्जू एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अपनी मर्जी से करत है, किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। कान आप सना पक रहा है तू? कभी कुछ नहीं बोला हमने, लेकिन आज आज हम बोलेंगे, चाहे पंचायत के लोग हमें मार ही क्यों ना दे। और आज अगर पंचायत ने रज्जू के खिलाफ कुछ भी फैसला लिया तो उसकी सजा हम खुद भुगतेंगे। ठाकुर साहब, भगवान को साक्षी मानकर हमने रज्जू को अपनी पत्नी स्वीकार की। हम रज्जू से प्यार करते हैं और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते। अरे पगला गया क्या तू? ये छोटी जात की लड़की से प्यार कर रहे थे तू? ये छूत अछूत पे आप ही विश्वास करते हैं, हम नहीं करते। अगर एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आज के बाद रज्जू के बारे में आपने एक भी चीज उल्टी सीधी बोली तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि रज्जू आपके घर की बहू की बहू। और आज आज पूरे गांव के सामने हम रज्जू को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। बस बंद करो इन नौटंकी, ये पंचायत है। हमारे गांव का भी कुछ नियम कानून है,
एक ब्राह्मण का लड़का का शादी एक नीच जात की लड़की के साथ होता वह ना ही देख सका था। इसलिए ये पंचायत ये फैसला करती है कि रज्जो और त्रिलोक ने शादी करके गलती किया, इसलिए रज्जो और त्रिलोक को ये सजा दी जाती है कि वो अभी इसी वक्त ये गांव छोड़ के चले जाए। वो कहा है ना कि गांव की परंपरा के अनुसार अब ये दोनों इस गांव में नहीं रह सकते। बाबूजी, हमें आपका ये फैसला कुछ समझ में नहीं आया। आपने उसे तिलों के साथ ये गांव छोड़ने के लिए काहे कहा? आज तक इस गांव में इससे पहले कभी ऐसा फैसला नहीं सुनाया गया था। ये तुम्हारे मन की जिज्ञासा है कि सवाल? वो कहा है कि गांव में अगर कोई हमारे लिए मुसीबत बन सकता है तो वो है ये लड़की। लेकिन वो लड़की इतनी आसानी से तिलों के साथ गांव से आसानी से ना ही रहे, अभी तुम देखते जाओ। थोड़ी देर में मिसीर जी भी यहीं पे पहुंच। दीदिया, तुम हम सब तो यही चाहते थे ना कि दीदिया पे कौनो मुसीबत ना आए। और देखना बाबू, होकरे प्यार के खातिर ये गांव के कानून और परंपरा को भी झुकना पड़ा। देख, वो तो माफ कर दे बाबू। बाबू, अगर आप हमको माफ नहीं करेंगे तो यहाँ से जाने के बाद हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। तू लोग बाबू, भगवान करे तू लोग जिंदगी भर खुश रहे। अरे नहीं नहीं तू लोग बाबू, ये कहा? अरे तू बामन देवता, हमरे पाव छू के तू पाप मत चढ़ाओ। बाबूजी, बड़ों के पैर छूने से पाप नहीं पुण्य चढ़ता है। हम रज्जो का पूरा ध्यान रखेंगे, हमको आशीर्वाद दीजिए। भगवान खुश रख, सुखी रहो। चलो रज्जो। रज्जो, बिटिया, वैसे तो ये सिंगूरा लड़का के घर से आवत है,
बाकी सुंगरा हम तुमको देते हैं। अपन मांग का बसुना मत रखना बिटिया। तुम देखना ठाकुर साहब। आइए आइए मिसीर जी आइए। ठाकुर साहब ये सब आप कहा किए काहे किए ऐसा फैसला? अरे हमारा बेटा को उस नीच जात की लड़की के साथ बात दिया, काहे नहीं उसके खिलाफ मौत का फरमान जारी किया आप? बोलिए ना ठाकुर साहब, कोनो जवाब नहीं सूझ रहा है का? अच्छा ये बताइए, हमारे बेटा की जगह यदि तेज प्रताप होता तो क्या करते आप? क्या उस नीच जात की लड़की के साथ ब्याह देते उसे? बताइए चुप काहे हैं आप? ऐसा ही दिल में जितना गुबार है जहर है उसे उगल देना चाहिए, काहे ना मिसीर जी, उससे मन हल्का हो जाता है। अब रही बात हमारे फैसले की, तो वो फैसला पंचायत का था, आप अपना फैसला खुद ही कर लीजिए। मिसीर जी, इससे पहले की वो ससुरी गांव की सीमा पार करे खत्म करवा दो। रज्जो, इसी जगह भगवान को साक्षी मानकर हमने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, और देखो आज पूरी दुनिया वालों ने हमारे प्यार को स्वीकार कर लिया है। सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा एक बात का हमको भरोसा ना था, लेकिन कभी कभी इतनी खुशी देखकर डर लगता है कि। तू डर मत रज्जो, तू डर मत, अभी तो हमको जीना है अपनी जिंदगी, तू हम पर भरोसा रख। देखा, इसे कहते हैं राजनीति, सांप भी मरे और लाठी टूटना तो दूर, ऊपर जोर भी ना पड़े। बाबूजी, इससे वो रज्जो तो हट जाएगी रास्ता से, बाकी कोई और भी तो खड़ा हो सकता है दक्षिण टोला से बर्धानी के लिए। एक एक करके पत्थर को रास्ते से हटाना चाहिए। रज्जो खत्म तो समझो मुसीबत खत्म। और इससे ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि इसके अलावा और कौन है दक्षिण टोला में जिसका सर उठ सकता है। उठेगा तो कटेगा। अब हम ये गांव छोड़ शहर चले जाएंगे, जल्दी से जल्दी, है ना? अरे वो देखो बस खड़ी है, जल्दी चलो वरना बस निकल जाएगी, दूसरी बस पता नहीं कब आएगी। भगत यहाँ? ये सब सवाल जवाब का भगत नहीं है हरिलाल, तुम जल्दी से बस अड्डा दौड़ो। बस अड्डा? हाँ, तुम्हारी बिटिया रज्जो को मारे खातिर मिसिर के आदमी घर से निकल चुके हैं। ये भगत हम लोग उन लोगों के ना ही छोड़ेंगे। चलो ये सब कौन हो तुम लोग, कहाँ चाहते हो?
हमको आपसे कोनो मतलब ना है पंडित जी। ये जो मुर्गिया है ना आपके पास पंडित जी, इसको तनिक हमारे हवाले कर दीजिए। तनिक आप सामने से थोड़ा हट जाइए। तुमको जो बात करनी है हमसे करो। अरे ससुरी नीच जात, ब्राह्मण के लड़का से विवाह का सपना देख रही थी तू। पकड़ रहे इसको। मार दिया और इस सत्र भाग गया।